ये मेरा गांव है टंडवा, और मैंने आपको पहले भी दिखाया कि उधर एक चौक पड़ता है जिसको हम लोग सिमरिया चौक बोलते हैं, और वहाँ पे पानी का इतना तादाद बढ़ गया था कि हमने वहाँ पे दिखाया और कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी हुई थी। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं पीछे का, यहाँ पे बाज़ार लगता था और बाज़ार में पानी का इतना भर चुका है कि काफ़ी सारे लोगों को आवागमन में इतना दिक्कत हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। गाड़ी आर से पार जाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। काफ़ी सारे लोगों की भीड़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं पूरा ऑडियंस यहाँ पे आया हुआ है देखने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं, एक बार पहले भी हुआ था, पर पानी का इतना ज़्यादा बहाव नहीं था। और आस देखेंगे आज पानी का इतना ज़्यादा बहाव है कि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारा प्रॉब्लम भी आ रहा है, और आवागमन में सबसे मेजर इशू जो आ रही है वो आवागमन में आ रही है। तो आगे चलिए मैं वीडियो में आपको और भी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ, और सारी चीज़ों को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आज का जो कल से जो पूरा लगातार बारिश हो रहा है, इस चीज़ को अभी तक हम पूरा इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे देखने आए हैं। बाढ़ की काफ़ी तादाद यहाँ पे बढ़ रही है, प्रति घंटे की रफ्तार से बाढ़ यहाँ पे अच्छे खासे लेवल पे जा रही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पीछे का नज़ारा यहाँ पे दिखा सकता हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे दूर दूर से बस बाढ़ को देखने आ रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे भी इस तरह के बाढ़ को देखने आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से ऐसा कुछ होता है। तो आपको चलिए मैं आपको वीडियो में और भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वीडियो में काफ़ी सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, और यहाँ पे पूरा जो लाइव सेटअप है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और प्रशासन की भी गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। चलिए मैं आपको वीडियो में कवर करने वाला हूँ और आपको सारा दिखाऊंगा कि कितना बाढ़ का लेवल यहाँ पे बढ़ा है। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रशासन की गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चीज़ को कम करने के लिए, या फिर जो लोग हैं इस धर ना जाएं ताकि उनको दिक्कत ना आए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, हमारे गाँव के कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में मैं आपको लाइव सारा दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर टंडवा की जो प्रशासन है वो भी आ चुकी है, और वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फ़ोटोशूट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा टाइम के बाद ऐसा कुछ होने वाला है। तो दूर में एक रेड कलर का चुंदरू बाबा पथ आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया है, लोगों ने वहाँ पे एक झंडे गाड़ दिए हैं कि आपको उससे दूर तक नहीं जाना है। मैं आपको जूम इन करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको शायद वीडियो में यहाँ पे अच्छा दिख भी रहा होगा। दोस्तों देख सकते हैं बाढ़ का लेवल ऊपर जा चुका है, वहाँ पे आपको एक पुल दिख रहा होगा, पुल से ऊपर बाढ़ क्रॉस हो रही है, जिससे लोगों को आवागमन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं रास्ता एक तरफ भी नहीं बचा है इस पार से उस पार जाने के लिए, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। हमारे गाँव की महिलाएँ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आ चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम को लोग फेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में जो प्रशासन है हमारे टंडवा के, वो लोग भी आए हुए हैं और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। आप मेरा टायर दुकान था सर, पूरा बाढ़ में बह गया। तो टायर दुकान, आपका टायर दुकान कब से था यहाँ पे? बहुत दिन से था सर। तो बाढ़ में बह गया, तो आप प्रशासन या फिर सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना ये चाहेंगे, हम NTPC कहना चाहेंगे कि इतना जो किया सारा नुकसान वही कर रहा है। तो कहाँ पे, किस ऑडियंस को दिखाई कि किस साइड आपका बाढ़ का दुकान था, टायर का दुकान था? देखिये वो घर जगह,
ऑडियंस आप देख सकते हैं, इनका वहाँ पे टायर का दुकान था, ये बोल रहे हैं कि हमारा टायर का दुकान इनका जो है वो डूब चुका था या डूब चुका है ना, डूब चुका है और बह भी गया, तो इनको काफ़ी सारा यहाँ पे नुकसान भी हुआ है। तो ये चीज़ हो रही है, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत आ रही है इस चीज़ से, बाढ़ को लेकर काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। अंकल देख सकते हैं, अंकल भी छाता लेकर आए हैं इतने उम्र में बाढ़ को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसा कुछ होता है। तो इनका टायर, ये बोल रहे हैं कि इनका टायर भी यहाँ पे जो पड़ा हुआ है इन्हीं का टायर है। चलिए आगे और कुछ लोगों से यहाँ पे बात करते हैं और देखते हैं। और कोई और बोलेंगे पास नहीं हुआ। अरे कोई दिक्कत नहीं, पूछ तो बोलिए अपनी तरफ से। दो साहब ग्रेट बढ़ेगा, कुछ बोल दो अमर भैया। क्या बोलेगा कि शर्ट भी बढ़िया नहीं पहन रहे आप भी अच्छा नहीं 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 ये सब शर्ट पैंट में क्या हम बोल के कह रहे हैं। हमारे गांव के अमर भैया हैं, भैया लगते हैं, आपको ये बताएंगे एक्चुअली यहां का जो प्रॉब्लम है जो जनता यहां पे फेस कर रही है कि गाँव में आगमन का काफी सारा दिक्कत आ गया है। दो ही पुल है, जो बड़ा वाला पुल है मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में वो टूट चुका है, और यहाँ का जो पुल है मैंने आपको दिखाया वो बाढ़ ऊपर से जा रही है, तो उसके कारण काफ़ी सारे लोगों को आगमन में दिक्कत हो रही है। तो कुछ लोगों को काफ़ी सारे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए यहाँ का सिचुएशन को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे इस सारा कारण तो NTPC पर जाता है, क्योंकि NTPC जब बांध बनाया उसको ये नदी को ढोड़ा समझा कि ढोड़ा ह्यूम पैप डाल देंगे अब मेरा पानी रुक जाएगा, लेकिन ये नदी क्या है वो हम लोग जन्म जन्मांतर से जान रहे हैं कि ये नदी का रौद्र रूप क्या है। सर NTPC का कोई पदाधिकारी कोई इंजीनियर इसकी रौद्र रूप को देख नहीं पाया और ह्यूम पैप लगा दिया। ह्यूम पैप से पानी जाने वाला नहीं है, जब तक ह्यूम पैप नहीं हटेगा टंडवा की समस्या बरकरार रहेगी। इसलिए इस माध्यम से बोलना चाहते हैं NTPC इसको समझे, ये मेरा नदी है नदी, इसको नाला नहीं समझे। अच्छा आपको बस लगता है कि NTPC इसके ऊपर जिम्मेवार है, आपको लगता है कि हमारे जो यहाँ के MLA साहब है किशुन दास, उनके बारे में आज को आप कुछ अपना पक्ष रखना चाहेंगे या फिर बताना चाहेंगे उनको एक्चुअली में इनके ऊपर क्या कुछ काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? ऐसे तो कर ही रहे हैं, लेकिन NTPC तो इस पर जिम्मेवार ज़रूर है, क्योंकि हमारा नदी को शॉर्ट कर दिया। जितना लंबी नदी का लेंथ था पहले चौड़ा था, उस नदी को छोटा बना दिया, छोटा बनाने के कारण नदी का उफान तेजी से ऊपर भागा। अभी किसी परिस्थिति में NTPC अगर इसको ध्यान नहीं देगा तो ये नहीं हो पाएगा, ये उनके बस की बात नहीं है। विधायक जी तो लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, उसके लिए वो बहुत चिंतित हैं और उन्हीं का प्रयास रंग लाएगा। लेकिन हम इसलिए आपसे ऐसा बात पूछे क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, मैंने देखा उन लोगों ने बोला है कि जो विधायक जी हैं बहुत पहले स्टार्टिंग से जब ऐसा कुछ हो रहा था सेटअप उटअप आने वाला था NTPC का, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि विधायक जी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ के जो छोटे मोटे नेता लोग हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया और हमारा जो नदी है उन्होंने बेच दिया, ऐसा कुछ वो लोग बोल रहे थे। नहीं नहीं सरासर गलत है। बात है कि जब NTPC शुरू आई तो वो बता ही नहीं कि हम यहाँ बांध बनाएंगे, हम लोग समझे थे कि ये पुल बन रहा है और इसी के तहत वो अपना काम किया। इन लोग शुरू जान नहीं पाए इन लोग, और उसी के तहत ये लोग उनका काम बात मानते चले गए और हम लोग सोचे बीच में पिलर बना रहा है कि पुल बनाएगा, एक बार बांध बन गया, तो इसमें सभी लोग ठगे गए। उनकी चाल को हम लोग समझ नहीं पाए, यहाँ की जनता नहीं समझ पाए, हमारे प्रतिनिधि नहीं समझ पाए, अब समझें तो अपना रूप धारण कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं और उम्मीद है कि इस पर ठोस कार्रवाई होगा।